पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ के दौरान लूट डकैती गिरोह का मुख्य लीडर घायल, मौके से तमंचा चोरी का वाहन बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। डीआईजी एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देशन में थाना प्रभारी घूरपुर राजेश उपाध्याय और पुलिस टीम द्वारा गोहनिया और ब्रिज के नीचे लूट डकैती गिरोह का मुख्य लीडर सोनू डांडी पुत्र मोहम्मद नईम निवासी भंडरा मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। घायल बदमाश के ऊपर थाना घोरपुर और थाना नैनी में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पकड़ा गया अभियुक्त यमुनापार क्षेत्र के कई लूट और डकैती के घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मौके से पुलिस को तमंचा, कारतूस और चोरी का वाहन बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य साथियों की तलाश जारी है। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारी संवाददाता प्रयागराज मंडल से ब्यूरो चीफ शिव कैलाश भारतीय की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 25 अगस्त 2021 की मध्य रात्रि में थाना भूरपुर जनपद प्रयागराज की पुलिस द्वारा बैरियर लगा करके चेकिंग की जा रही थी। जो भी संदिग्ध वाहन और व्यक्ति आते जाते हैं हमारे हाईवे एवं अन्य रस्तों के द्वारा, इसी दौरान एक स्कूटी पर 3 सवार आए जिन्हें थानाध्यक्ष भूरपुर एवं उनकी टीम द्वारा हाथ से रोकने का इशारा किया गया। इस इशारे पर तीनों युवक पुलिस का बैरियर जंप करके भागे और पुलिस टीम द्वारा संदेह होने पर इनका पीछा किया गया और इनकी पीछा करके जब घेराबंदी की गई तो इन युवकों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोल दिया गया। जवाबी कार्रवाई में थानाध्यक्ष भूरपुर एवं उनकी टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे कि एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और उसे तत्काल चिकित्सकीय उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया है। अन्य जो दो युवक थे वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भागने में सफल रहे। जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान सोनू डांडी पुत्र नईम डांडी के रूप में हुई है। ये भड़रा गांव का रहने वाला है जो कि थाना नैनी जनपद प्रयागराज में है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इसने स्वयं ये बताया है कि ये पहले भी अलग अलग थानों से लूट एवं लूट के माल बरामदगी के जैसे अपराध में जेल जा चुका है और ये एक पेशेवर लुटेरा है और इसके अन्य साथियों की भी तलाश सघन चेकिंग लगा करके की जा रही है। बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।